तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि आप लोग अपने मनी प्लांट को इतना बुशी कैसे बनाते हैं और इसके बड़े पत्ते कैसे बांटते हैं। तो गाइस हमारे चैनल की वीडियोस को देखने से पहले जरूर सब्सक्राइब करें, इससे हमारे को और मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे प्लांट्स पे कंटेंट लेके आएंगे। तो चलते हमारे वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि आप लोग अपनी मनी प्लांट को इतना बुशी और इसके बड़े पत्ते कैसे पा सकते हैं। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो में कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट बताएं ये जो आपको कभी पता भी नहीं होंगे और हर चीज के बारे में बात करेंगे, बुशी कैसे करें, इसकी केयर कैसे करें, सब कुछ बताएंगे। उससे पहले हमारे चैनल तेज प्लांट को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, इससे होगा क्या कोई भी हमारी नई वीडियो आएगी तो आप पे नोटिफिकेशन चल जाएगी और वो जो बेल आइकन होता है उस पर जरूर क्लिक कर देना ताकि वो नोटिफिकेशन पहुंचाने में हेल्प करे हमारी और हमको मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हम इसी की वजह से और वीडियोस बना पाते हैं। तो चलते हैं मेरी वीडियो में। आपको एक फैक्ट पता नहीं होगा कि जो मनी प्लांट है वो एक फ्लावरिंग प्लांट है और जिसका साइंटिफिक नेम है एपिरिमनम एरियम। तो बेसिकली साइंटिफिक ये बेसिकली साउथ एशिया ऑस्ट्रेलिया ऐसी थोड़ी जहां पे टेम्परेचर गर्म के अराउंड रहता है वहीं मोस्टली उगाया जाता है इसको। श्रीलंका में इसका बहुत तगड़ा जंगल भी है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं कि इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि आपको पता है मनी प्लांट काफी जल्दी फैल जाता है जिसकी वजह से उसको रोकना मुश्किल है और ये बहुत मुश्किल से मारने वाला पौधा है, यानी कि आप लोग इसको कहीं भी फेंक दें तो बहुत जल्दी उग जाता है। बट कुछ लोगों को अभी भी इसको उगाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो आज की वीडियो में आपको पूरी सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी मनी प्लांट उगाने में, मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ। तो बेसिकली मनी प्लांट को काफी नामों से जाना जाता है, इंडिया में बेसिकली मनी प्लांट है बट अगर बाहर की बात करें इंडिया से बाहर की तो वहां पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्डन पैथोस, सिलियन क्रीपर, हंटर रोब, इवी एरम, सिल्वर वाइन, सैलमोन आइसलैंड, इवी मार्बल क्वीन, टेरो वाइन एंड ऑल्सो कॉल डेविल्स वाइन और डेविल्स भी। तो बेसिकली वैरायटी भी बहुत होती है तो वैरायटी के ऊपर भी मेरी वीडियो आने वाली है तो वो जरूर देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं मनी प्लांट को बुशी कैसे बनाया जाए। तो बेसिकली बुशी बनाने के लिए सबसे पहले एक स्टेप जरूरी है कि आप लोग जब मनी प्लांट को प्लांट करते हैं तो खूब सारी जगह से प्लांट करें। कुछ लोग होता है कि एक गमले में एक ही नोट डालेंगे जिसकी वजह से एक ही ब्रांच ऊपर बड़े होकर घूमती है। अब मैं क्या करता हूँ, जब भी प्लांट करता हूँ तो हर एक साइड दो तीन ब्रांच डाल देता हूँ जिससे कि जब ग्रो करे तो हर साइड से निकले प्लांट, ठीक है। तो हर साइड से निकलने का फायदा क्या होगा, जब वो ऊपर चढ़ेगा तो हर एक साइड से ब्रांचेस चढ़ेंगी, हर एक साइड से ब्रांचेस चढ़ेंगी तो उससे बुशी हो जाएगा पौधा, ठीक है। तो बुशी से आप देख सकते हैं कि मेरा एक डंडी नहीं है, एक डाली नहीं है, बहुत सारी जगह से मैंने उगा रखा है तभी बहुत सारे निकले हैं। अगर कोई भी हम पौधे लगाते हैं गमले में तो एक ही लगाते हैं, बट मनी प्लांट एक वाइन है जो कि बेल है तो बेल ज़्यादा जड़ नहीं, आपको पता है मनी प्लांट की जड़ ज़्यादा नहीं होती जिसकी वजह से आप लोग उसमें कई सारे साइड से मनी प्लांट लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग इसको बुशी कैसे बना सकते हैं। तो बुशी बनाने के लिए आपको पता रहना चाहिए कि मनी प्लांट कौन सी कैटेगरी का प्लांट है। तो मनी प्लांट एक ऐसी कैटेगरी का प्लांट है जो बारिश के मौसम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। तो बारिश के मौसम से आप समझ रहे हैं, बारिश के मौसम में नमी ज़्यादा होती है तो हमको इसको नमी प्रोवाइड करानी ज़रूरी है। तो नमी के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं बैम्बू स्टिक। अब लोग बैम्बू स्टिक तो यूज़ कर लेते हैं पर लोगों को पता नहीं होता कि भाई बैम्बू स्टिक को एक्चुअली में मनी प्लांट में कैसे यूज़ किया जाए। अब होता क्या है कि मान लो आपने बम्बू स्टिक लगा दिया और आपका प्लांट यहाँ भाग रहा है, यहाँ भाग रहा है, तो बम्बू प्लांट मतलब बम्बू स्टिक आपका बीच में लगा पड़ा है और पौधे यहाँ भाग रहा है तो बम्बू स्टिक का कोई फायदा नहीं है। तो फर्स्ट आपको करना क्या है कि आपको जो मनी प्लांट जैसे जैसे आपको ग्रो कर रहा है उसको साथ में बांधते जाना है। साथ में बांधने से ये फायदा होगा कि नमी आपके पौधे के बगल में रहेगी। अब लोग गलती ये करते हैं कि वो लोग को पता नहीं होता कि मनी प्लांट को बांधना कैसे है बैम्बू के साथ। तो आपको पता है कि जैसे कि हमारा कोई मनी प्लांट होता है तो मनी प्लांट के पत्ते के एंड में एक नोड होता है जिसकी वजह से वहां से जड़ें निकलती हैं। अब लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लोगों को पता नहीं होता कि बम्बू स्टिक को बांधते कैसे। तो जो आपका नोड निकल रहा होता है मनी प्लांट के कोने से तो वहां पे आपको बम्बू स्टिक में घुसाना होता है या पकड़ाना होता है जिसकी वजह से बम्बू स्टिक के नमी उस मनी प्लांट के नोड यानी कि जड़ जो मनी प्लांट का है वहां तक वो नमी पहुंच पाए, ठीक है।
तभी ये आपका बहुत बड़े लीव्स प्रोड्यूस करेगा और तभी इसके पत्ते भी बड़े हो जाएंगे साथ साथ, क्योंकि उसको प्रॉपर अमाउंट में वाटर मिल रहा है हर एक लीफ को, तभी मिल पाएगा। तीसरी गलती मैं बताऊँ क्या करते हैं लोग, आपको ये पता चल गया बुशी कैसे करना है, मनी प्लांट बड़ा कैसे करना है, बट केयर नहीं करोगे तो भाई मनी प्लांट नहीं उगेगा। वो कैसे कर सकते हैं आप लोग, ये आपका बम्बू स्टिक है, अगर आप इसमें पानी नहीं डालेंगे तो ड्राई रहेगा, तो बम्बू स्टिक का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आपको पानी कैसे डालना है मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास स्प्रे है तो स्प्रे भी कर सकते हैं, बट ये मैंने खुद से बनाया है। तो स्प्रे में होता क्या, स्प्रे इजी है, पर मेरा स्प्रे ख़राब है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट ये आप जुगाड़ कर सकते हैं, अगर आपके पास स्प्रे नहीं है तो ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने किया क्या है, आपके पास कोई भी ख़राब बोतल हो तो ऐसी बोतल है ऊपर से तीन चार होल कर दे, ठीक है। अभी ये करेगा क्या, आपके पानी डालने में ऐसे हेल्प करेगा, देख रहे हो ऐसे स्प्रे मारने में, ठीक है। ये हम स्कूल टाइम में यूज़ किया करते थे। तो आपको पानी कैसे डालना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है मनी प्लांट के बारे में। तो पानी कैसे डालना है, आपका मेन पर्पस होना चाहिए कि आपका जो बैम्बू स्टिक है वो गीला हो, अगर वो गीला होगा तभी वो आपके मनी प्लांट को ह्यूमिडिटी या नमी प्रोवाइड करा पाएगा। तो आपको कहाँ कहाँ पानी डालना है, यहाँ पानी डालना है, मनी प्लांट के पत्तों के ऊपर पानी डालना है और जड़ पे डालना है। तो जड़ पे कम डालेंगे क्योंकि आपका जो बैम्बू स्टिक है वही सारा सारा पानी आपको दे देगा, ठीक है। तो पानी कैसे डालूंगा, मैं इस तरह डालूंगा, देख सकते हैं आप मैं कैसे डाल लूँ। अब ऐसे पत्तों पे भी चल जाएगा, बैम्बू स्टिक पे भी चल जाएगा, और आप लोग क्या कर सकते हैं, जड़ पे एक मग पानी लेकर डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका कम्प्लीटली सेटअप हो जाता है। अब बात करते हैं मिट्टी कौन सी यूज़ करनी है, तो आपको मिट्टी ऐसी यूज़ करनी है जहाँ पे पानी रुके ना, ठीक है। पानी जैसे ही रुक जाता है तो वो आपके पौधे कोई सा भी पौधा सड़ा देता है, तो मिट्टी कभी भी ऐसी यूज़ करें जिसमें थोड़ी बहुत न्यूट्रिशन हो, पानी आराम से पास कर जाए जैसे आप डालें, मतलब धीरे धीरे करके पास कर जाए। ये नहीं हो कि पानी वहीं रुक जा रहा है और सड़ जा रहा है, तो आपका मनी प्लांट ज़्यादा चलेगा नहीं, वहीं ख़राब हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर्स की, तो फर्टिलाइज़र मैं आपको रिकमेंड कभी भी नहीं करूँगा कि आप लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से, उससे पौधे को नुकसान पहुँच सकता है। केमिकल्स आपको पता ही है कि नुकसानदायक होते हैं हमारे लिए भी, हमारे पौधों के लिए भी, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियल होते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, तो एक DAP है, DAP से बेसिकली जो आपके सॉइल का नाइट्रोजन लेवल है वो बढ़ जाता है। तो आप लोग DAP यूज़ कर सकते हैं थोड़े से अमाउंट में, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली में मिट्टी ढूंढना बहुत मुश्किल है, और मिट्टी मिलेगी तो आपको बिल्कुल प्लेन मिट्टी मिलती है जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होती, और नाइट्रोजन लेवल जिसका काफ़ी कम होता है, तो आप उस केस में DAP यूज़ करेंगे। या तो आप लोग जो गार्डन से मैन्योर ला सकते हैं, जो आपका काउ डंग का मैन्योर होता है वो ला सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा मैन्योर लाएँ काउ डंग का, उसके बाद DAP यूज़ करें। तीसरा जो सबसे बढ़िया चीज़ है, ये मैं अपने गार्डनर अंकल से लाया था, तो बेसिकली ये जो आपका ये केमिकल नहीं कहूँगा इसको, ये एक तरह का सोल्यूशन है जो आपका नेचुरल प्रोसेस बनाया जाता है। तो एक्चुअली गुड़ को सड़ा के पानी के अंदर काफ़ी दिनों तक रखा जाता है, उसके बाद ये तैयार होता है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। मैंने खुद बेसिकली ऑब्जर्व किया है कि अगर आप लोग ये यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है आपके मनी प्लांट की, और पत्ते काफ़ी जल्दी ग्रो करते हैं। आपको पता है यही 2 महीने में होगा, इतना 2 महीने में, और कुछ लोगों का सालों भर रह जाता है, उगता नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ कि ये कैसे बनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूंगा। तो इसको भी बेसिकली एक ढक्कन पानी में ला के, इतनी छोटी बोतल में पानी में ला के एक हफ्ते के एंड में दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये यार बड़ा ईजी रहता है मेरे को। अब ऐसा मतलब आपको पता है ये बारिश वाला पौधा है, तो अगर इसको अगर ऐसा लगेगा कि ओए बारिश हो रही है चलो मुझे ग्रो करना चाहिए, तो इट विल डेफिनेटली ग्रो, ठीक है। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, अभी तक पसंद आई होगी तो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ठोको यार, तभी हम ग्रो करेंगे और तभी आप लोग की बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी वाली वीडियोज़ ला पाएंगे, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई इतने अच्छे लेवल पे और इतनी अच्छी क्वालिटी में वीडियोज़ बना रहा है ऐसे टॉपिक्स के ऊपर, बट मैं चाहता हूँ कि यार हर एक साइड में ना एजुकेशन या उसके बारे में डिटेल्स बढ़नी चाहिए। और कुछ लोग आपको पता ही है YouTube पे काफ़ी सारे लोग हैं जो अगर एक टॉपिक वायरल हो रहे हैं तो उसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, बट कुछ टॉपिक ऐसे छूट गए हैं जिन पे कोई ध्यान नहीं देता। तो घर के जो गार्डनिंग से वैसे चीज़ें हैं तो वो सब भी चीज़ों के बारे में लोगों को जानना चाहिए ना। वैसे आपको पता है दिल्ली आपको जितना भी आपका शहरीकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे आपके पेड़ पौधे काट दिए जा रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं करी जा रही, और सब बोलते हैं एंड में कि यार पेड़ लगाना चाहिए, और लगाता कोई नहीं है। बट अब कोई कुछ कंधे होते हैं कि कोशिश भी करते हैं लगाने की बट लग नहीं पाता, तो उन सब के लिए हमारे चैनल बहुत यूजफुल होगा तेज प्लांट। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि हम लोग सब ग्रो करें, तभी आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस ला पाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स ला पाएंगे, जैसे कि मनी प्लांट
का एक जंग, जैसे कि मनी प्लांट का एक जंगल है श्रीलंका में, और वहां पे इतनी तेजी से इतने बड़े बड़े पत्ते हो गए हैं कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल, जिसकी वजह से श्रीलंका परेशान है भाई मनी प्लांट कैसे हटाए। सो मनी प्लांट्स के पत्ते इतने बड़े बड़े भी होते हैं, आपको पता नहीं होगा, इतने बड़े बड़े। तो मैं आपको हर एक चीज दिखाऊंगा, हर एक चीज का ब्लॉग बनाऊंगा, बस आप लोग प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो शेयर करें ताकि हमारी वीडियो वायरल हो पाए और हम लोग और कंटेंट निकाल पाए। गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक करें और शेयर कर दे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और हमको सपोर्ट करें प्लीज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।